बहते मौसम को संगीन बना देते हैं, बच्चों की किलकारी भी गमगीन बना देते हैं। हम वसुधा के वो बेटे हैं, गीत गजल कविता से हर मौसम को दिवाली सा रंगीन बना देते हैं। हमारी कोशिश ये होती कि आपके मन को छू जाए। हमारे एडवोकेट शैलेंद्र जी बैठे, आपका स्वागत है। हमारे पंडित जी क्रांतिकारी पंडित पंच जी आ गए हैं, आप सभी का अभिनंदन है। और इस बीच में आप लीजिए, जहाँ बेटी की बात हुई, बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, जिनके बेटियाँ होती हैं वो धन्य होते हैं, वो घर धन्य हो जाते हैं। अब आइए, आपके बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ, इस विधा को परिवर्तित करने जा रहा हूँ। इस वक्त मौसम कुछ बदलने लगा है, तो मैं आपके बीच में एक ऐसी कवित्री को बुलाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका टेस्ट क्या है, आपके लक्षणों से मुझे लगता है। मैं आइए अब कवित्री को आपके बीच में बुलाऊं, और उस कवित्री को आपके बीच में बुलाने के लिए आज क्रम थोड़ा सा बदलता हूं। और हमारे बीच में बाबू बंजारा जहां पर हैं, अशोक हंगामा भी हैं हमारे बीच में, और जहां मुन्ना बैटरी भी हैं, मैं आपको सुनवाऊंगा। मुन्ना भाई को सुनने के लिए समय चाहिए, मुन्ना जिसे पूरा देश सुन रहा है मुन्ना बैटरी की हास्य को। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वक्त मैं आपके बीच में उस कवित्री को बुलाऊँ। देख पालकी जिस दुल्हन की ठहर गया हर एक बाराती, देख पालकी जिस दुल्हन की ठहर गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, मिथिलेश जी जिसके द्वार उठेगा घूंघट, उस पागल पर क्या बीतेगी। एक बार सपने में छूकर जो जीवन चंदन वन कर डाले, बार बार छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। एक बार तालियां बजाइए, मैं आपके बीच में दिल्ली से आई हुई कवित्री श्वेता सरगम को बुलाता हूं, जोरदार तालियों के बीच में वो आए, क्योंकि वह क्रम बदलना हूं आपके आनंद के लिए। वैसे इस समय जिन्हें बुलाना चाहिए था उसे बुलाने के मेरे पास बार बार सब युवा धड़कनों में अपनी रस बिखेरने के लिए, क्योंकि जहां हमारे पास में इतनी सारी मिठाइयां हैं, तो आइए रस मलाई आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। आनंद लीजिए, जोरदार तालियां बजाइए, उनको सुनिए, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। एक बार श्वेता सरगम को, वो क्या है कि हमारे माइक वाले बाबा तो आने नहीं जा रहे, उनका बेटा सोच रहा, शर्मा रहा था कि बाप के सामने जाऊंगा नहीं सेट करने। चिंता मत कीजिए, मैं माइक ऊपर नीचे कर लेती हूँ। अरे वाह, बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। जी, मंच को एक बार पुनः नमन करती हूँ। एक बार तालियां बजा दें आप, श्वेता जी अच्छी कवित्री हैं। कवित्रियां तो दोनों ही अच्छी हैं, श्वेता जी को सुनिए। ये बीच बीच में इसी तरह से बोलते रहेंगे, खैर मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। हाँ, स्वागत है। मंच को एक बार पुनः नमन करती हूँ और आप सभी सुधी श्रोताओं को दोबारा प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर जो भारी मात्रा में युवा श्रोता विराजमान है, भारी मात्रा में युवा ही हैं या तो विराजमान ही सारे, कुछ युवा हैं, कुछ अभूतपूर्व युवा हैं। जी, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई अभूतपूर्व युवा श्रोता लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि सभी युवा श्रोता ही हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपकी इस ऊर्जा को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। स्वागत आपका। आप जिस तरह से सुन रहे हैं, मैं आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करती हूँ। और मैं यहाँ पर विराजमान, मेरे मंच पर विराजमान यहाँ पर मेरे बड़े आदरणीय वीर रस के आदरणीय वेदव्रत वाजपेयी जी, उनकी उपस्थिति होती है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा। और चलिए दोस्तों, मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। हाँ, स्वागत आपका, स्वागत। मैं सर्वप्रथम आप सभी के दिल के दरवाजे पर अपने काव्य की दस्तक देने से पूर्व आनंद आ गया। मैं कुछ चार चार पंक्तियां के माध्यम से इस माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रही हूं। स्वागत आपका, स्वागत। और जो थोड़ा बहुत मुखर होकर के सुनिएगा, मैं श्रृंगार रस की कवित्री के रूप में पूरे देश भर में जानी जाती हूं, और मैं जानती हूं कि टोंक के श्रोता किस तरह से श्रृंगार रस के कविताओं को सुनते। एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर देखिए। ये टोंक के ये श्रोता ना, बहुत, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त श्रोता हैं ये, क्योंकि ये मुझे याद है, इनके लिए अपन ये कह सकते हैं कि कोई सुख में रहते हैं, कुछ कोई सुख में रहते हैं, कोई शोक में रहते हैं,
कोई सुख में रहते हैं। आपके लिए पढ़ रहा हूं, अगर बात सच्ची लगे तो आप सबके तालियां श्वेता सरगम के लिए। मैं कोई सुख में रहते हैं, कोई शोक में रहते हैं, कोई घर में रहते हैं, कोई चौक में रहते हैं। अमेरिका घूम लो या लंदन देख लो, ज्यादातर जिंदा दिल टोंक में रहते हैं। मैं चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ इस माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए। जादुई चार चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने की। अजी आप तो खड़ी भी रहे तो काम चल जाए इनका। चिंता मत कीजिए, आपकी बात का भी जवाब दूंगी। ये इसी तरह से बीच बीच में कवित्री जब माइक पर आती है तो इसी तरह से बीच बीच में बोलते हैं। मैं तो सभी को आदर के साथ बुला रहा हूँ, आप इसे बीच में बोलना कह रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप पहले चार पंक्तियां मैं प्रस्तुत करती हूं, सुनिएगा। और क्या गजब का दृश्य है ये, क्या गजब की बात है। युवा श्रोता जो यहाँ पर विराजमान है, आवाक करेंगे तो आनंद आ जाएगा सुनने में। क्या गजब का दृश्य है ये, क्या गजब की बात है। चांद तारों से सजी ये, क्या गजब की रात है। देखना है आपके भी दिल में क्या जज्बात है। देखना है आपके भी दिल में क्या जज्बात है। क्योंकि मेरी तुमसे पहली पहली मुलाकात है। पहली पहली मुलाकात है। देखो श्वेता जी, इन बातों से, मुलाकातों से, इन बातों से, मुलाकातों से ये जज्बाती हो सकते हैं। कभी तेल, कभी तेल, कभी दिया, कभी बाती हो सकते हैं। इनसे बात करना तो सावधानी से करना, ये कभी भी हाथ पकड़कर जीवन साथी हो सकते हैं। अब जिस तरह की आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं, बढ़िया। अच्छा रात भर पढ़े जाओ, ये हमारे शैलेंद्र जी का। तो लेकिन एक शर्त है कि आप लोग अगर खुल करके दाद देंगे तो सुनने का भी आनंद दोगुना हो जाएगा, मुझे पढ़ने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। और तालियां बजा करके मुझे बताएं कि आप श्रृंगार रस की कविताओं को किस तरह से सुनते हैं। धन्यवाद। और चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। और अगला सुनिएगा। घर से जब चली थी मुझसे बोलती सहेलियां, बाबा जा रही जहां वहां पकड़ते लोग तितलियां। घर से जब चली थी मुझसे बोलती सहेलियां, जा रही जहां वहां पकड़ते लोग तितलियां। सोच कर यही बचा के सबसे रख की उंगलियां, सोच कर यही बचा के सबसे रखी उंगलियां। देखती हूँ आज कौन गिराता मुझ पे बिजलियां, देखती हूँ आज कौन गिराता मुझ पे बिजलियां। और बिजलियों की बात से मैं तो नहीं डरती हूँ, मैं भी किसी ना किसी की बात पे मरती। अरे वाह बढ़िया है, ये बात अच्छी। बिजलियों की बात से मैं तो नहीं डरती हूँ, मैं भी किसी ना किसी की बात पे मरती हूँ। इसलिए मैं दिल का राज खोल के धरती हूँ, इसलिए मैं दिल का राज खोल के धरती हूँ। मैं भी श्रोताओं से दिल से प्यार करती हूँ, मैं भी श्रोताओं से दिल से प्यार करती हूँ। कमाल हो गया। और अगली चार पंक्तियों में ये तो सारे, ये तो सारे ऐसे कुछ हो गए जैसे इनकी लॉटरी लग गई हो। हाँ एक बार तालियां बजा दो। अच्छा प्यार कर रही हैं। अगली चार पंक्तियों में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। स्वागत आपका। महफिल को वाह वाह से उठाना आप सब, महफिल को ये इनको ज्यादा समझ में आ गई है। नहीं नहीं, नहीं। हाँ।
महफिल को वाह वाह से उठाना आप सब, मैं गीत गाऊं संग गुनगुनाना आप सब, पंक्ति कोई जो आपके दिल में मेरी चुभे, पंक्ति कोई जो आपके दिल में मेरी चुभे, तब जोरदार तालियां बजाना आप सब, तब जोरदार तालियां बजाना आप सब। और इस घनघोर तालियां के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार तालियां बजा दें, महसूस होना चाहिए, अच्छा लग रहा है। मुझे तो इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं, जिस क्रम पे मैं हूँ और जैसा कि ये बीच बीच में बोल रहे हैं और मैंने कहा कि मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगी, तो मैं सीधे सीधे इनसे ये कहना चाहूंगी कि इनके बीच में बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है कि मैं भी इनसे प्यार मोहब्बत की बात करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इन सबकी इनकी बातें कर रहा हूं, मैं तो इनका प्रतिनिधि हूं। ये जो टोंक के लोग हैं उनके जिंदा दिल लोगों की प्रतिनिधि हूं मैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें आप इनसे करें, मैं तो इनकी तरफ से जवाब दूंगा जो भी आप कहेंगी। तो अब ये बीच बीच में बोल तो पहले भी रहे थे कि ये आप अगर खड़ी भी हो जाए तो देख मतलब तालियां बज जाएंगी, तो मैं इनके चार इनकी पंक्तियों के जवाब में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि कहीं क्या इनसे इनकी सब ही बातें हैं बड़ी रिस्की, ये बातों से ही लेना चाहते हैं हुस्न की चुस्की, कहीं क्या इनसे इनकी सब ही बातें हैं बड़ी रिस्की, ये बातों से ही लेना चाहते हैं हुस्न की चुस्की, मगर पूरी तमन्ना हो बताओ कैसे ये इनकी, मगर पूरी तमन्ना हो बताओ कैसे ये इनकी, ये ठर्रा के लगे पौआ लगूंग रेच मैं विस्की, ये ठर्रा के लगे पौआ लगूंग रेच मैं विस्की। देखो आप जवाब दे देंगे, ताली बजा दो। देखो देखो वैसे तो आप देखो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो हमारे टोंक में तो यहाँ आसपास बिना ब्रांड की बिकती है, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं पड़ता किस ब्रांड की बिक रही है। सच्ची कह रहा हूँ, झूठ का कोई काम नहीं है। आप जानते हैं घंटाघर से लेकर के जहाँ तक जाते हैं आप समझ जाओ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसमें कईयों की पोल खुल जाएगी। लेकिन मैं आपने कहा कि मैं आप तो विस्की हैं और मैं ठहर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप दरिया हैं मैं दर्रा हूँ, आप दरिया हैं मैं दर्रा हूँ, आप विस्की हैं मैं ठर्रा हूँ। पर मैं ये हम ये बात नहीं जानते कि विदेशी शराब पीने से कौन से नशे के हीरे मोती देती है, हम तो बस ये जानते हैं कि देसी पीने वालों की बात ही कुछ और होती है। अब आपका तो पता नहीं चल रहा है आप किसकी साइड है। देखो ये तो जब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ तो मेरी पंक्तियों पे तालियां बजा देते हैं, जब ये पढ़ते हैं तो इनकी बातों पे। आप एक डिसाइड करो कि आप किसकी साइड हो। देखो ये तो क्या है, हमारे टोंक के लोग हैं, रामलाल की बारात में जाएं और श्यामलाल का बैंड अच्छा मिल जाए तो वहां नाचने लग जाएं, और बैंड ही अच्छा नहीं मिले और जनरेटर भी मिल जाओ तो उस भी नाच लेते हैं हम तो आप चिंता मत करो, आपको बहुत प्रेम करते हैं। और चार पंक्तियों में जैसा कि ये कह रहे हैं, मैं चार पंक्तियों में केवल जवाब में इतना ही कहना चाहूंगी और आपकी तालियां उठनी चाहिए मेरे समर्थन में, मेरी पंक्तियों के समर्थन में। सुनिएगा, बाप तुम्हारे जाल में मैं ना फंसूंगी जान लो, मैं हूं कौन कैसे पहले तुम मुझे पहचान लो, बाबू तुम्हारे जाल में मैं ना फंसूंगी जान लो, मैं हूँ कौन कैसे पहले तुम मुझे पहचान लो, अगर मुझे पहचानने में हो कोई दिक्कत तुम्हें, अगर मुझे पहचानने में हो कोई दिक्कत तुम्हें, तो बंधा के राख मुझसे अपनी बहन मान लो, तो बंधा के राख मुझसे अपनी बहन मान लो। देखो आपने ये रिश्ते विश्ते जोड़ने लगी बहन के, मैं आपको सच कहता हूँ बड़ी आसानी है रिश्ते बनाना, इतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना।
पर रिश्ते निभाना उतना ही कठिन है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। हम रिश्ते देखो, और सच्ची बात कहता हूँ, सिर्फ कहने मात्र से रिश्तों की कड़ियां जुड़कर झूलती नहीं है। और मेरी बहन इतनी रात को मंचों पर घूमती नहीं है। और इनके जवाब में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, जब चले चमन में पवन ठंडी ताजा, बढ़िया है, क्यों किसी कली को हीर समझो खुद को रांझा। वाह। जब चले चमन में पवन ठंडी ताजा ताजा, क्यों किसी कली को हीर समझो खुद को रांझा। वक्त हो तब बेरहम डरोस से भंवर राजा, वक्त हो तब बेरहम डरोस से भंवर राजा, वरना वो बजा देगा तेरा भी बैंड बाजा, वरना वो बजा देगा तेरा भी बैंड बाजा। देखो आप, आपने जवाब देंगे भी तो एक बार ताड़ियां हो जा दो। और दोस्तों, ये समृद्ध मंच है यहाँ पर, आदरणीय वीरस के बहुत बड़े कलमकार यहाँ विराजमान हैं, वेदव्रत वासुदेव जी, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ, ये समृद्ध मंच है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मैं क्रम पे आती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं दे सकता था लेकिन आपने इतनी क्षमा ही मांग ली तो फिर ठीक है। देखिए ये क्या है कि आप ऐसा कुछ, देखिए आप तो आराम से पढ़े, मस्ती के साथ पढ़े। हाँ मैं भी क्षमा ही मांग लू, वेदव्रत जी ने कह दिया क्षमा मांग ली तो मैंने मान ली। आप तो बिल्कुल आप खुले, देखिए हम यहाँ ये जितने भी लोग हैं, जितने भी श्रोता हैं, ये सब बातें इसलिए हो रही है आपके आनंद के लिए। ऐसी कई बातें हो सकती है लेकिन इन्होंने क्षमा मांग ली तो क्षमा कर ही देते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उपकार, का रहीम हरि को घटियो जो भृगु ने मारी लाद। अपन तो क्या है कि उसमें से आप तो तालियां बजा दो और इनको सुन लो। ये कह रही है क्षमा कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, सजी है खुशनुमा बैठक, सभी दिलदार बैठे हैं। माना हम भगवान श्री राम के पूजक हैं, वेदव्रत जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, दिनेश जी हमारे पैर फैला के बैठे हुए हैं, उनको भी नाम करता हूँ, सब आपका स्वागत है। ऐसे बैठते हैं जब जब क्या होता है कि कभी सम्मेलन होते हैं तो जैसे जैसे जाते हैं। सजी है खुशनुमा बैठक, सभी दिलदार बैठे हैं, हसीनाओं की अदाओं पर दिलहार बैठे हैं, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके लेकिन लाखों तैयार बैठे हैं। आप तो मस्ती के साथ सुनो, अब ये सुना रही है, आप श्रृंगार सुनिए। दोस्तों ये हंसने हंसाने की बातें तो इसी तरह से रात भर चल सकती हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आज आपके सामने आई हूँ वो अधूरा रह जाएगा। तो मैं चलिए आइए आपको अपनी काव्य यात्रा की ओर ले चलती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी चार चार पंक्तियों के माध्यम से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। और पहले दो मुक्तकों में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब एक नायिका अपने यौवन काल में प्रवेश करती है जी, तब वो क्या कहती है इन मुक्तकों के माध्यम से, ये आप सुनिएगा और अपना मन दीजिएगा। यहाँ पर मेरी विराजमान थोड़ी नहीं, नहीं, बहुत, मात्रा में माताएं, मैं एक बार तालियां बजा दें आप, मैं उनका भी समर्थन चाहूंगी, अच्छे गीत भी सुनते हैं। मैं आपका प्रतिनिधित्व इस मंच से कर रही हूँ, आपकी भी तालियां मुझे मिलेंगी, आपका भी समर्थन मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चार पंक्ति आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। धरा ये चाहती है कि गगन से मिल जाऊं, कली पे चाहती कि फूल से मैं खिल जाऊं। आपकी आह वहां आनी चाहिए। अरे धरा ये चाहती है कि गगन से मिल जाऊं, कली बिचाहती कि फूल से मैं खिल जाऊं, इन्हीं की चाहतों को देख कर मैं डरती हूँ, इन्हीं की चाहतों को देख कर मैं डरती हूँ, किसी की चाहत में मैं बिना फिसल जाऊं, किसी की चाहत में मैं बिना फिसल जाऊं। और अगला मुक्तक सुनिएगा, लगे किसी की हवा ना जो मैं बदल जाऊं, बढ़िया है, मैं होश खो के हद से आगे ना निकल जाऊं, उठे न मन में लहर प्रेम की समंदर सी, उठे न मन में लहर प्रेम
की समंदर सी, किसी को पाने को जो एकदम मचल जाऊं, किसी को पाने को जो एकदम मचल जाऊं। और इतनी खामोशी के साथ सुनिएगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया, खामोशी में बात अगर कविता की आती है नहीं बिल्कुल, ये तो अच्छा लगेगा अगर आप सभी तालियां बजा दें। ये देखिए डूब के सुन रहे हैं क्या, कभी कभी देखने में मन लग जाता है तो फिर कविता को सुनने लग जाते हैं, फिर तालियां बजा। और मैं जानती हूँ कि टोंक के श्रोता कितने मनोभाव से सुनते हैं बिल्कुल श्रृंगार रस की कविताओं को। एक बार तालियां बजा करके मुझे बताएं, वाह आदेशित कीजिएगा। और जब वक्त करवट बदलता है तो उस नायिका के मन में भी प्रेम की हिलोर उठने लगती है, तब वो क्या कहती है पूरी मस्ती के साथ सुनिएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, किसी को देखते ही दिल क्यों डगमगाता है, ये पूछा मैंने वेद से तो वो बताता है, वेद से ये पूछा मैंने बताता है, इसे तो प्रेम का एक रोग कहा जाता है, इसे तो प्रेम का एक रोग कहा जाता है। और जब वो वैद्य जी के पास जाती है तब वो क्या कहती है, दवा इस रोग की हो तो बताओ वैद्य जी, जान खतरे में मेरी है बचाओ वैद्य जी, जख्म दिल के भरे और पीर मिट क्षण में मेरी, जख्म दिल के भरे और पीर मिट क्षण में मेरी, कोई संजीवनी मुझको सुंघाओ वैद्य जी, कोई संजीवनी मुझको सुंघाओ वैद्य। वाह 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 वाह, क्या आमंत्रित किया आपने वेद भरतवाज भाई साहब को। और जब वो वैद्य जी भी उस नायिका के प्रेम रोग का निवारण नहीं कर पाते हैं तब वो एक गीत के माध्यम से अपने प्रियतम से क्या कह रही है, ये आप इस गीत के माध्यम से सुनिएगा। संजीवनी यहाँ पर विराजमान है, बिल्कुल तालियां बजा दें एक बार। अच्छा, उन सबका मैं आशीर्वाद चाहती हूँ, और यदि आप मेरे इस गीत के साथ ताल देंगे तो आपको गीत सुनने में और भी ज्यादा आनंद आएगा। मैं गीत प्रस्तुत करती हूँ, अब ताल देना शुरू कीजिएगा। स्वागत आपका। तन व्याकुल है मन व्याकुल है, अब तो झलक दिखा जा, तन व्याकुल है मन व्याकुल है, अब तो झलक दिखा जा, ओ चंचल जत चोर कहां पर छुपा है सामने आ जा। जब तक एक श्रोता ताल नहीं देगा तब तक मैं इन्हीं पंक्तियों को रात भर गुनगुनाती रहूंगी, गीत सुनने का आनंद दोगुना हो जाएगा यदि आप मेरे इस गीत के साथ ताल देंगे। मैं गीत फिर से शुरू करती हूँ, आप ताल देना शुरू कीजिएगा। तन व्याकुल है मन व्याकुल है, अब तो झलक दिखा जा, ओ चंचल जत चोर कहां पर छुपा है सामने आ जा। तन व्याकुल है मन व्याकुल है, अब तो झलक दिखा जा, ओ चंचल जत चोर कहां पर छुपा है सामने आ जा। मनवा मोरा मचले जब जब पवन चले पुरवैया, संगम तोरे नाच नचाए करके ताता थैया। मनवा मोरा मचले जब जब पवन चले पुरवैया, संगम नाच नचाए करके ताता थैया। मेरे मन वृंदावन के काना तू रस रचा जा, मेरे मन वृंदावन के काना तू रस रचा जा, ओ चंचल जत चोर कहां पर छुपा है सामने आ जा। बातें होंगी उन रातों की जो तन्हाई में बीती, स्वप्न लोक में जाकर कैसे जंग प्यार की जीती। बातें होंगी उन रातों की जो तन्हाई में बीती, स्वप्न लोक में जाकर कैसे जंग प्यार की जीती। रूपनगर की मैं रानी तू प्रेम नगर का राजा, रूपनगर की मैं रानी तू प्रेम नगर का राजा, ओ चंचल जत चोर कहां पर छुपा है सामने आ जा। और इस गीत का आखिरी बंद है, मेरे दिल के देहरे पर तेरा स्वागत है निस दिन। गीत गजल और
छंद अधूरे पड़े आजा तुझ बिन। बाबा मेरे दिल की देरी पर तेरा स्वागत है निस दिन, गीत गजल और छंद अधूरे पड़े आजा तुझ बिन। मेरे काव्य की गंगा को तू संगम तक पहुंचा जा, मेरे काव्य की गंगा को तू संगम तक पहुंचा जा। ओ चंचल चित चोर कहां पर छुपा है सामने आजा, तन व्याकुल है मन व्याकुल है अब तो झलक दिखा जा। ओ चंचल चित चोर कहां पर छुपा है सामने आजा, ओ चंचल चित चोर कहां पर छुपा है सामने आजा। गीत खत्म हो गया, तालियां बजाइए। और अब मैं एक गजल हाजिर कर रही हूँ। गजल से पहले मैं गजल का माहौल बनाने के लिए मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। तू तो सपनों में मेरे रोज चला आता है। बढ़िया है। तू तो सपनों में मेरे रोज चला आता है, आता है फिर कहाँ जाकर मुझे सताता है। हंस दिल का तो कहीं उड़ के तेरे पास चलूं, हंस दिल का तो कहीं उड़ के तेरे पास चलूं, पर मुझे तेरा पता कोई ना बताता है, पर मुझे तेरा पता कोई ना बताता है। और अब मैं वो गजल पेश कर रही हूँ। गजल में से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपने गजल के पहले दो शेर ध्यान से सुन लिए तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि गजल के अगले शेरों पर आप अपने को मुझे अपना आशीष देने से नहीं रोक पाएंगे। एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कर दें। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं गजल हाजिर कर रही हूँ, सुन रही जी। धन्यवाद, धन्यवाद। मन की मंदिर की मूरत, मन के मंदिर की मूरत जो खंडित हुई, मन मेरा अब करे ना भजन के लिए, भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई। साथ ना जो संजोई सजन के लिए, भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई। साथ ना जो संजोई सजन के लिए। अब शेर सुनिएगा। आपकी तालियां कम आ रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि तालियां बजाइए, क्योंकि ये गजल आप सभी का आशीर्वाद इस गजल को मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया बढ़िया। शेर सुनिएगा। कोई सागर को चुल्लू में भर पी गया। वाह वाह। कोई सागर बूंद भर के लिए कोई रोता रहा। कोई सागर को चुल्लू में भर पी गया, बूंद भर के लिए कोई रोता रहा। उनको अमृत की धारों ने नहला दिया, हम तरसते रहे आज मन के लिए। उनको अमृत की धारों ने नहला दिया, बढ़िया, हम बढ़िया। तरसते रहे आज मन के लिए। और ये शेर खास तौर से सुनिएगा। हम अमन के लिए वो दमन के लिए। बढ़िया है। है दमन दर्द दायक चमन के लिए। हम अमन के लिए वो दमन के लिए, है दमन दर्ददायक चमन के लिए। वो शमन के सफल देवता हो गए, वो शमन के सफल देवता हो गए। हमने वरदान मांगा श्री
सृजन के लिए वो शमन के सफल देवता हो गए। हमने वरदान मांगा सृजन के लिए। और अगला शेर में यहाँ पर उपस्थित जितने भी युवा श्रोता हैं, सब युवा हैं, उनको ये शेर समर्पित करती हूँ। बढ़िया है, सुनिएगा, आपके मतलब का शेर है। बस ये आखिरी शेर है, मैं पढ़ के फिर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। सुनिएगा, सुनिए एक बार देखिए, ये धर्म हमारा भी है। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, बैठने वाले को भी सलीका चाहिए। एक बार तालियां बजाइए, अच्छी गीत सुना रही हैं आप लोग, छो की सुनना चाह रहे हो। सुनिएगा, चांद प्रियतम से मिलने को छत पर खिला। आहा, वाह बढ़िया बात है। प्रेम करता कबूतर का जोड़ा मिला। वाह बढ़िया, क्या चांद प्रियतम से मिलने को छत पर खिला। प्रेम करता कबूतर का जोड़ा मिला। तू न समझे तो इसमें खता क्या मेरी, तू न समझे तो इसमें खता क्या मेरी। मैं तो जिंदा हूँ तेरे मिलन के लिए, तू न समझे तो इसमें खता क्या मेरी। मैं तो जिंदा हूँ तेरे मिलन के लिए। और इस गजल का आखिरी शेर पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। प्यार करना है तो मन के मंदिरों में आ। वाह, मैं तेरा गीत हूँ तू मुझे भी तो गा। क्या बढ़िया, प्यार करना है तो मन के मंदिरों में आ। मैं तेरा गीत हूँ तू मुझे भी तो गा। जैसे मीरा मिट्टी शाम के प्रेम में, जैसे मीरा मिट्टी शाम के प्रेम में। मैं भी मिट जाऊं तेरी लगन के लिए, जैसे मीरा मिट्टी शाम के प्रेम में। मैं भी मिट जाऊं तेरी लगन के लिए। भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई, साधना जो संजोई सजन के। वाह 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 वाह, साधना जो संजोई।